हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रेजेंटली वर्किंग एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। आज हम बात करने वाले हैं कि टीनेज में जो हेयर लॉस होता है वो किस वजह से होता है, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टीनेज में हेयर लॉस क्यों होता है। सबसे पहले है कि अपना डाइटरी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो हम खाने में आजकल जंक फूड्स यूज़ करते हैं, फास्ट फूड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। माल न्यूट्रिशन सबसे कॉमन होता है टीनेज में, जिसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण मिनरल्स है, विटामिन्स है, उसकी डिफिशेंसी होने के कारण हमारे प्रॉपरली न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण वो फिर हेयर लॉस बढ़ने लगता है। फिर जेनेटिक रीजंस है, थायराइड है, हार्मोनल चेंजेस है, उसके कारण भी मेल फीमेल दोनों टीनेज पेशेंट में हेयर लॉस बढ़ने लगता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ ही साथ हम कुछ हेयर में चेंजेस करने लगते हैं, जैसे कि हम कलर करने लगते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करने लगते हैं, हेयर कर्लिंग कर लगते हैं। ये सब प्रोसीजर के कारण अपने हेयर जो है वो थोड़े थिन होने लगते हैं, और फिर उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण अपने हेयर हेल्दी नहीं होते हैं, और उस अनहेल्दी हेयर में फिर हम कॉस्मेटिकली चेंजेस करने के लिए ये सब ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हमारे हेयर ब्रिटल होने लगते हैं, फिर उसमें थिनिंग होने लगती है और हेयर लॉस भी होने लगता है। मेल पेशेंट और फीमेल पेशेंट दोनों में थोड़े अलग अलग पैटर्न के हेयर लॉस होने लगते हैं। अगर हम मेल में देखते हैं कि टीनेज पेशेंट में अडल्ट हेयर लाइन होने चालू होने लगती है, लेकिन अडल्ट हेयर लाइन के साथ ही साथ अगर हमारी टेम्पोरल रिसेशन ज़्यादा बढ़ने लगे तो आपको फिर और ज़्यादा स्ट्रेस आने लग सकता है। तो ये कम करने के लिए आपको उसको ज़रूरत है कि आपको वो किस वजह से हो रहा है, और उसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है उसको आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। फीमेल पेशेंट्स में पीसीओडी है, पीसीओएस है, हार्मोनल चेंजेस है, इसके साथ भी हमें हेयर थिनिंग और हेयर फॉल के चांसेस बढ़ने लग सकते हैं। ये सब चेंजेस के साथ ही मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, इसके कारण भी हमें हेयर थिनिंग और हेयर फॉल के चांसेस बढ़ने लगते हैं। टीनेज पेशेंट में भी देखा गया है कि मेंटल स्ट्रेस में फिर एडिक्शन का प्रॉब्लम चालू होने लगता है, जिसमें कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसके वजह से फिर और स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिसके कारण टेम्पररी थिनिंग होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। जब कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार होता है, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, कोविड है, उसके कारण या फिर मेंटल स्ट्रेस है, उसके कारण एक टेलोजन इफ्लेम नाम का एक बीमारी रहता है, जिसमें कि हमें टेम्पररी थिनिंग होने लगती है। लेकिन ये थिनिंग प्रॉपरली कंट्रोल भी किया जा सकती है, उसको अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया जाए तो वो भी अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो ये सब कारण है अपने हेयर फॉल होने के, जिसमें कि जेनेटिक है, जहाँ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, हार्मोनल चेंजेस है, स्ट्रेस है, इसको अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, प्रॉपरली अच्छे से उसको ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये रिवर्सल भी हो सकता है, और आपको आने वाली जो हेयर थिनिंग है, जो कि फ्रंट पार्ट में है, मिडल पार्ट में है, सभी जगह पे जो थिनिंग है वो हमें प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, पीआरपी है, मेसोथेरेपी है, ये सब ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो उसमें अच्छे से मैनेज भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि टीनेज पेशेंट्स में हेयर फॉल क्यों होने लगता है और उसके क्या क्या वजह हो सकती है। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसको हम प्रिवेंट करने के लिए, उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और कुछ टिप्स जो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हेयर रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो हमें इसे कमेंट्स में पूछिए, हम उसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे।